झारखंड जनशक्ति मजदूर यूनियन के तत्वाधान में बुधवार को मानकी सपही नदी तट पर बनभोज का आयोजन किया गया। कार्यक्रम यूनियन के इस्माइल अंसारी की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष के अन त्रिपाठी सहित जेजेएमयू के केंद्रीय अध्यक्ष दीपक ओझा, ललित ओझा शामिल हुए। इस मौके पर अतिथियों का भव्य स्वागत किया गया। केन त्रिपाठी ने कहा कि क्षेत्र के विस्थापितों और असंगठित मजदूरों की काफी समस्या है, जिसे दूर करने के लिए उनकी पहल जारी रहेगी। कार्यक्रम का संचालन भरत तापा ने किया। मौके पर मुन्ना मिश्रा, संजीव चटर्जी, राजेश राय, विक्रम कुमार, शाबिर अंसारी, रामाधार शर्मा, अनु सिंह, वशिष्ठ तिवारी समेत कई लोग उपस्थित थे। जब इसलिए आजादी के बाद चाहे किसी भी दल से दिल्ली में समर्थित हो, उन लोगों ने खनन क्षेत्र के मजदूरों को बड़े बड़े कॉरपोरेट कमरों में बेचने का काम किया, उनको बेचा है। और आने वाली पीढ़ी हम लोगों से हिसाब पूछेगी कि जब यहाँ के कोयला से दिल्ली और पंजाब रोशन हो गया तो ये सिरसा सूरी का मकबरा खंडहर क्यों बनता जा रहा। ये जवाब आपको देने के लिए तैयार रहना है और ये जवाब ढूंढने के लिए झारखंड जनशक्ति मजदूर यूनियन अपनी लड़ाई बढ़ा रहा है। हमें नहीं पता कि हमें कितना और समय मिलेगा कोयला कंपनियों के साथ बैठक करने के लिए, कब हमें वो मान्यता देंगे। हमारी संघर्ष राजधानी में जारी रहेगी और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जब हम कोल श्रमिकों के अधिकार को लेकर सीएमडी और एमडी और बड़े अधिकारियों के साथ बैठेंगे तो हम आपका अधिकार उस कमरे से बाहर लेके आएंगे। हम ठगने का काम नहीं करेंगे। आज आप देखिए मजदूर की लड़ाई लड़ने वाले लोग ताठ बार विधानसभा में बैठे, काबीना मंत्री बने, बड़े बड़े पदों पर रहे, लेकिन आज अंतर यह रहेगा कि राष्ट्रीय कोयलवरी मजदूर संघ देश के कोयला कंपनियों के संगठित मजदूरों में काम करती है, कोयला कंपनी से बाहर कार्य नहीं करती। लेकिन झारखंड जनशक्ति मजदूर संघ खिलाड़ी की इसी भूमि से पूरे झारखंड राज्य हर जगह जहां जहां असंगठित और संगठित मजदूर कार्य कर रहे हैं, चाहे वह अब्रक का माइंस हो, चाहे वह तांबे का हो, चाहे वह लोहे का हो, चाहे बालू का हो, हर जगह झारखंड जनशक्ति मजदूर संघ हर इलाके में पूरे झारखंड में काम करता है। यह खिलाड़ी की इस भूमि से केंद्रीय कार्यालय आपका खिलाड़ी में रहे और यहाँ से पूरे झारखंड के मजदूरों का, उनकी गतिविधियों का, उनके कष्टों का निवारण इसी भूमि से यही केंद्रीय कार्यालय से हो। यह ऐसा होने पर एक बहुत बड़ा भाग, जहाँ कई ऐसे जगह हैं जहाँ मजदूर यूनियन नहीं पहुँच पाती है, वहाँ आप पहुँच पाएंगे। चाहे वह कृषक मजदूर हो, खेतीहर मजदूर हो, चाहे वह प्रवासी मजदूर हो जो बाहर जाते हैं, चाहे वह असंगठित मजदूर हो, इन सारे मजदूरों को झारखंड के लोगों के लिए आप लोग काम करें। आपका कहीं बंधन नहीं रहेगा कि आप सिर्फ इन्हीं मजदूरों के लिए काम कीजिएगा तो आपका झारखंड के, हमें लगता है कि आप 1.5 करोड़ मजदूरों तक पहुंचने की क्षमता झारखंड जनशक्ति मजदूर संघ की हो सके। चाहे जो भी प्रबंधन हो, कोयला का प्रबंधन हो, लोहा का प्रबंधन हो, अब्रक हो, कारखाना हो, सारे प्रबंधकों हमारे